काफी टाइम हो गया, चलें। लेट भी हो रहा है यार। हाँ यार बिल्कुल चलते हैं। एक्सक्यूज मी, सब बिल दे दीजिए। क्या बात कर रहे हो यार, मैं पे करूंगी। नहीं नहीं, बिल मैं पे करूंगा, पागल हो? मेरा बिल कोई और पे करे मुझे पसंद नहीं है। इसका क्या मतलब है यार, हम रिलेशनशिप में तुम बिल पे करोगे बट ऑब्वियसली कि मैं पे करूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम गर्ल्स उन पे हावी हो जाए। मैं भी अर्न करती हूँ यार, तो मैं पे करूंगी इस बारी। चलो एक काम करते हैं, आधा आधा पे करते हैं। हाँ ठीक है, हाफ पे करते हैं। जल्दी पी ले इसे, चलना नहीं है, लेट हो रहे हैं। चिल्ला क्यों रहा है, पी तो रही हूँ। पहले तेरे पास बड़ा टाइम होता था, दो दो घंटे, चार चार घंटे। बेबी तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बेबी हम वहां चले, और अब देख 6 महीने बाद आए और इतने तेरे तेवर चढ़े पड़े हैं। इसलिए इंसान का और भी तो काम होता है, सिर्फ तेरे लिए खाली नहीं बैठा मैं। हाँ हाँ, तो मैं भी तेरे लिए खाली नहीं बैठी, समझा? वेट कर, वॉशरूम होके आती हूँ, समझो? फिर जल्दी आइयो, सो मत जाइए वहां जाके, पता लगे सुबह आ गए। A few moments later. अब ये कहाँ मर गया? हेलो। हाँ कहाँ पर हो तुम? मैं आ गया अपने दोस्त की पार्टी में। अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में? क्या बात है, अभी कैसे पहुंच गए? अभी तो तुम यहीं पे थे, इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुंच गए तुम? उड़ के आए उधर से, मतलब मुझे बिना बताए तो वहाँ चले गए। तू मेरी माँ लग रही है, तो सब कुछ बता के आऊंगा। ठीक है, इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो तुम? अभी के अभी यहीं आओ। चल दिमाग मत खराब कर, अभी के अभी यहीं पर आ, अब आएगा मेरा घंटा। तो यहाँ पे जो हमने खाया उसका बिल क्या कौन भरेगा? मैं तो उस आगे में यार, दोस्त की बर्थडे पार्टी में आऊंगा मैं। रॉबिन, लेकिन मैंने पर्स भी नहीं लिए, मैं पैसे कहाँ से दूंगी? तेरे पास होते भी कब है, भूखी फौरन रख। हेलो हेलो भैया, कोई बात नहीं बेबी, चलता है। कहाँ मर गई, कितनी देर लगाई थी आज? जला जा रहे हैं, पार्टी शुरू हो गई है, पार्टी में खाना खत्म होने के बाद जाएंगे। 5 मिनट आ रही हूँ। 5 मिनट करते करते पौना घंटा हो गया तुझे, अब तू आ रही है ना, क्या जला जा? कपड़े पहन के जाएगी मेरे साथ पार्टी में? ये फटे हुए कपड़े, नंगी चली जा, फैशन शो नहीं चल रहा वहाँ पे। मेरे पास यही कपड़े हैं, मैं यही पहनूंगी। तुझे प्रॉब्लम है तो तू दिन आना कपड़े। तुझे नए कपड़े खा खा के मोटे होते जा रहे, फैलते जा रहे, इतना सा कपड़े लेके ना इतना फैल जाएगा अगले दिन। तुझे नए कपड़े लेके दो। मेरा ऐसा ही फिकर था, बहुत बढ़िया फिकर था, तूने खराब करा है, भात का खाना खिला खिला के इतनी फूल गई हूं तभी मैं। अरे तेरा फिकर खराब करा, दिमाग खराब है तेरा? जब तक मेरे पैसे के चिकन बर्गर खाए जा रहे हैं, आज तेरा फिकर खराब हो गया। मुझे पता तुझे नहीं जल्दी के मचिए, तुझे जाके वो मूत नहीं कहते हो मैडम, उसको बियर कहते हैं। बियर शक्ल देखिए अपनी, बहुत महंगी आती है। मैं उसे मूत बोलूंगी, मूत 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 मूत। बियर बियर बियर, तूने मुझे उंगली दिखाई? हेलो। हाँ यार, अरे बहुत सालों बाद, और बता कैसी है? सच में कसम से बिल्कुल। चल ओके बाय, मिलते हैं। बहुत फनी है यार, बहुत फनी है। कौन था ये? ये मेरी लंदन वाली फ्रेंड है, आपको बताया था ना रमन। इतना मजाक करती है, इतना मजाक करती है, देखा ना मैं कैसे हंस उसके पागल कर देती है, हंस हंस आके। हाँ उधर जैसे ही तू पहुंचे मुझे फोन करिए, मैं उसी वक्त तुझे लेने पहुंचा मैं यार। हाँ चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। कौन था ये? बेबी रमन। अच्छा, तेरे वो लफंडर दोस्त जो आते हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि हगना कहाँ पे और सोना कहाँ पे। देख सुन, मेरा ना ये घर है, कोई आश्रम नहीं खोल रखा जहाँ हर दिन तेरे लफंडर दोस्त आते रहेंगे,
अगर अब कोई तेरा दोस्त आ गया ना, टांगे तोड़ के बाहर फेंकवा दूंगी उनको। अरे लेकिन वो तो लड़की। अच्छा, अच्छा। लड़की है। एक सेकंड रुको बेबी, मैं भी ना आपके लिए लंदन से बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ, लेके आऊँ क्या? क्या लाए हो? एक सेकंड हाँ? बेबी झाड़ू तो आप सुबह लगा चुके हो ना? हाँ, ये लगाने के लिए नहीं, लगाने के लिए है। उसको घर बुलाना है, उस बिच को घर बुलाना है। क्या करने लगी थी मेरे घर में? सुबह जो उसके पास जाने। क्या करने जा रही थी ईशा? वो देख कितने मासूम से लेटा हुआ है। स्मेल तो बहुत आ रही है, लेकिन उसको बोलू कैसे ईशा? अच्छी बात भी नहीं, वो तेरा तो उसके गंदे कपड़े भी तो मेरे। उसको नहीं बोलूंगी धोने के लिए, खुद ही धो लूंगी मैं। क्या कर रखा है ये? इतनी बदबू फैला के रखी हुई है, तेरे कपड़े कौन धोएगा? ये तो फेंक रखे हैं तूने। पहले भी तो आप ही धोते थे ना हमेशा। पहले धोती थी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी धोऊंगी। तेरे बाप की नौकरी बैठे जो पूरी जिंदगी का ठेका ले लिया कपड़े धोने का। कपड़े भी तो मेरे ही है ना, बाप के कपड़े थोड़े ही है। तेरे है ना कपड़े? कपड़े तेरे है ना, तो तू जाके कपड़े धोएगा, समझ आई? अगर तू एक सेकंड में नहीं उठा ना यहाँ से, तो रात को तेरा बिस्तर कुत्तों के साथ होगा अपने घर के बाहर, समझ? चल खड़ा, चल चल खड़ा हो, चल चल। इक्वालिटी बटन मंजवाए थे ना उस दिन, आज देखती हूँ उसको रगड़ता रहेगा शाम तक अपने कपड़े। के सामने आ रहे हो? ले आ गई मैं, चल अब तुमने उनको देखा।